पठानकोट विकास मंच की तरफ से चलाई जा रही पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल में सस्ती रसोई से हर कोई वाकिफ है। ये सस्ती रसोई में मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना खाने को दिया जाता है। सस्ती रसोई की शुरुआत करने वाले नरेंद्र काला के इस कार्य से हर कोई प्रभावित है। आज सस्ती रसोई में अपना योगदान देने आए देवराज शर्मा व उनकी पत्नी ने बताया कि अपनी शादी की सालगिरह को मनाने के लिए उन्होंने सस्ती रसोई में अपना बनता योगदान दिया है। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि हर कोई अपनी खुशी को सस्ती रसोई में आकर मनाए ताकि सस्ती रसोई से कोई भी भूखा ना जा सके। देवराज शर्मा सस्ती रसोई के आके अपनी गोल्डन असी मना रहे हैं। बहुत अच्छी संस्था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा है। सस्ती रसोई के आना चाहिए सबनों और इतने आके अपने फंक्शन करने चाहिए, मनाने चाहिए। अच्छी आके अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं तो इतने आके सानू बहुत खुशी मिली है। असं सारे अगे यही प्रार्थना करने हैं कि अपना कोई भी फंक्शन होए, बच्चे का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, कुछ सारे रल के इतने उन्होंने योगदान करो कि उन्होंने मदद करो। तो ये सब तो ज़्यादा खुशी है, सानू बहुत ही खुशी हुई है इतने आके। अच असी आके देखा जो इन्हों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सेवा है उन्होंने जी कर रहे हैं सारे वास्ते। पठानकोट विकास मंच वालों जी सिविल हॉस्पिटल ने सस्ती रसोई चलाई जा रही है उसके अंदर अज देवराज शर्मा जी और सिस्टर शर्मा जी आया है। यह बड़ी खुशी की गल है कि उन्होंने 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है। उन्होंने अपने हाथों नाल मरीजों को उनके अटेंडेंट को खाना सर्व किया। तो मेरी शहर वासियों को बेनती है कि अपने सुख दुख से इतने आन के जरूर मरीजों को उनके अटेंडेंट को खाना खिलाओ ता जो असी ये सस्ती रसोई को होर भी वधिया तरीके चला सकीए। तुसी देखो भी कितनी रौनक लगी है, रोज़ का इतने 500-600 बंदा खाना खाता है। ये अंदर एक खाने के अंदर सुकी सब्जी, गिली सब्जी, चावल, चपाती और कुछ मिठा जरूर असं दें। ये साढ़े होर भी कई प्रोजेक्ट चलते हैं जिमें सेवा केंद्र, असी वृद्ध आश्रम चला रहे हैं। मेरी शहर वासियों में बेनती यह है कि जो सा वृद्ध आश्रम बनने जा रहा वो अंदर वध तो वध योगदान पाओ। तो अज की शुभकामनावान सिस्टा शर्मा जी और देवराज शर्मा जी ने जिन्होंने इतने आके अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई है। धन्यवाद, मेहरबानी। पठानकोट विकास मंच समाज सेवा के कार्य के सदा करनी है। पठानकोट विकास मंच ने एक मुहिम चलाई हुई है भी जे थोड़ा कोई जन्मदिन है, थोड़े बच्चे का जन्मदिन है, थोड़ी मैरिज एनिवर्सरी है या घर के कोई भी खुशी का प्रोग्राम है, वो इतने आके लंगर वितरण करके और नाल मनाओ। अभी होटलों जाने हैं, बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं, हाँ जी इतने आके देखो थोड़े मन में कितना शांति मिलती है। अज देवराज शर्मा जी तो सरिस्टा शर्मा जी इन्हां दी गोल्डन जुबली है। इन्होंने इतने आके गोल्डन जुबली लंगर वितरण करके मनाई है। मैं प्रभु अगे यही अरदास करदा कि इन्हां दी लंबी उम्र ते अच्छी सेहत देवे। जय हिंद। आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा।